हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो फाइनली किसी ने मुझे एक्सेप्टेंस शेयर किया है और मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से रिजेक्शन ही रिजेक्शन आ रहे हैं और रिजेक्शन ही शेयर कर रहा हूँ मैं, क्योंकि जो लोग आप शेयर करते हो मैं वही चीज़ शेयर कर देता हूँ। और ये हैदराबाद का एक्सेप्टेंस नहीं है, चेन्नई काउंसलर का एक्सेप्टेंस है। तो काफ़ी अच्छा डिटेल में इन्होंने किया, मैं स्क्रीनशॉट भी ऐड कर दूंगा, पूरा आपको पढ़कर बताता हूँ कि कैसे एक्सपीरियंस रहा है। तो वीज़ा इंटरव्यू अटैम्प्ट सेकेंड काउंसलेट चेन्नई, मतलब पहले रिफ्यूज़ थे, चेन्नई काउंसलेट था, डेट 16 जुलाई थी, यूनिवर्सिटी थी डलास बाप्टिस्ट यूनिवर्सिटी और आउटकम था अप्रूव, ऑफिसर थी वाइट अमेरिकन। फिर ग्रीट करते ही गुड मॉर्निंग और फिर मी गुड मॉर्निंग ऑफिसर, ही आस्क मी फॉर I-20 इन पासपोर्ट। सो हाउ मेनी यूनिवर्सिटीज़ हैव यू अप्लाइड टू? 4 ऑफिसर, आई नेम द यूनिवर्सिटीज़। सो वाई डिड यू चूज योर बैचलर्स? आई डिड माई बैचलर्स इन मैनेजमेंट स्टडीज़ विद अ CGPA ऑफ 8.3। तो जैसे इन्होंने बताया, इन्होंने एक नोट भी ऐड करा है कि ऑफिसर जो था वो इम्प्रेस भी हो गया था। तो ऐसे ही मतलब एक दिख जाता है कि ऑफिसर के चेहरे पे स्माइल है, कि वो कैसे आपसे टॉक कर रहा है, उसका क्या माइंडसेट चल रहा है। अगर आपकी फाइल बहुत सॉर्टेड होती है, बहुत क्लियर होती है, बहुत इजी होती है पढ़ने के लिए, तो ऑफिसर को भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता अपना डिसीजन लेने में और वो इजीली एक्सेप्टेंस भी दे देते हैं। तो जितना क्लीन हो, जितना सिंपल रखोगे, उतना आपके लिए ईजी रहेगा। जैसे कि इन्होंने बताया कि जैसे इन्होंने CG बताया, एक अच्छा इंप्रेशन मतलब उनको दिख गया था कि कहीं ना कहीं ऑफिसर एक पॉजिटिव मूड में मेरा आंसर सुन के। फिर उन्होंने पूछा व्हाट विल यू डू व्हेन यू कंप्लीट योर मास्टर्स? तो उन्होंने अपना पूरे जो लॉन्ग टर्म प्लान्स थे वो एक्सप्लेन कर दिए, इन्होंने बताया नहीं यहाँ पर, लेकिन नॉर्मली इन्होंने लिखा एक्सप्लेन माय लॉन्ग टर्म प्लान्स इन इंडिया, हु विल बी स्पॉन्सरिंग यू, माय फादर एंड आई, एक्सप्लेन ऑल द फंडिंग्स, जो भी उनका प्रोफेशन था। फिर गोल्डन वर्ड्स और वॉइस स्कैनिंग के लिए अपने 4 फिंगर्स के लिए बोला, एंड इन्होंने टिप दिए, माय टिप्स विल बी जस्ट बी कॉन्फिडेंट एंड गिव शॉर्ट आंसर अप टू द पॉइंट, सिंस देर आर मेनी पीपल, वीजा ऑफिसर ऑल्सो डज नॉट हैव टाइम। All this, all the best to all the people. Also, I think people should go to Chennai consulate because the officer are very nice. तो चेन्नई काउंसलेट के ऑफिसरों के लिए इन्होंने एक अच्छा पॉजिटिव फीडबैक दिया कि काफ़ी अच्छे हैं वो। दूसरा ये है कि बहुत सारा क्राउड होता है, तो आप जितने सॉर्टेड सिंपल अप टू द मार्क आंसर्स होंगे उतने ही आपके चांसेस रहेंगे एक्सेप्टेंस के। और फिर भी अगर आपको कोई क्वारी है तो मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर देना और मैं स्क्रीनशॉट ऐड कर दूंगा। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।